अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी साबत मसाले का कोरमा किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 1 kg मटर, 1/2 cup योगर्ट, 1/2 teaspoon सॉल्ट। सबसे पहले मटन में हम ये नमक डाल देंगे और योगर्ट डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। दही को और नमक को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ढक के 2 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख दूंगी। अब हम एक ग्राइंडर में 1/2 cup पानी डालेंगे, 1 tablespoon के करीब हम अदरक डालेंगे और 2 tablespoon के करीब हम लहसुन के दाने डालेंगे और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसको छान लेंगे और इसके पानी को इस्तेमाल करेंगे और बाकी के अमेजे को हम फेंक देंगे। नेक्स्ट स्टेप की अशिया को नोट कर लीजिए। 4 large size अनियंस, 1/2 cup डालडा घी, 1/2 cup योगर्ट, 2 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर, 1/2 teaspoon रोस्टेड एंड ग्राइंडेड क्यूबन सीड्स, 1/2 teaspoon टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 1.5 tablespoon होल गरम मसाला, 1/2 teaspoon ग्राउंड गरम मसाला, 12 बटन रेड चिल्ली एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ केवड़ा। घी को गर्म करके इसके अंदर हम ये प्याज डाल देंगे और इसको लाइट ब्राउन करके बाहर निकाल लेंगे। देखिए प्याज जो है वो अच्छी तरह से लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। अब बचे हुए घी में ये सारे साबुत गर्म मसाले डालकर मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। गरम मसाले को अच्छी तरह फ्राई करने के बाद जब खुशबू आने लगे तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पानी जो हमने निकाल के पहले से रखा था वो डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैरिनेटेड मटन जो है वो मैं डाल दूँगी। अब मैं उसको इतनी देर तक फ्राई करूँगी जब तक दही का पानी जो है वो अच्छी तरह ड्राई ना हो जाए। देखिए अब अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया। अब इसके अंदर मैं बाकी की रखी हुई जो योगर्ट की वो डाल दूंगी। और ये सारे मसाले जो प्लेट में मैंने रखे थे ये डाल दूंगी और अब मैं मसाला भूनूंगी। मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं ये जो साबुत मिर्ची थी ये डाल दूंगी और साथ ही इसके हम 1 गिलास पानी डाल देंगे ताकि गोश्त हमारा गल जाए। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अब इसको हम दरमियानी आंच पर पकाएंगे। अब ये ब्राउन की हुई प्याज को बगैर पानी के मैं ग्राइंड करके रख लूँगी। गोश्त जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है और गल भी चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन 1/2 गिलास के करीब, और जो मैंने प्याज पीस के रखी थी वो भी डाल दूंगी। पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दूंगी। और केवड़ा डाल दूंगी। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूंगी। सारी चीज़ों को मिक्स करके अब मैं इसको 15 मिनट का दम लगा दूंगी। देखिए कोरमा मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया। मैं इसे डिश आउट कर लूंगी। देखिए नाज़रीन, नहायत मज़ेदार साबुत मसाले का कोरमा मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। आप इसको इसी तरह बनाकर और सजाकर पेश कीजिएगा। ये खाने में बहुत मज़ेदार होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।